नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मंटन और स्वागत है आप सभी का ब्लॉग ट्यूटोरियल के इस 15वें भाग में। आज हम बात करने वाले हैं, आपने ब्लॉग पोस्ट अच्छे से लिख लिया है, उसमें टाइटल भी डाल दिया है, लेबल भी लगा दिया है, लिंक भी डाल दिया है, लोकेशन भी डाल दिया है, सर्च डिस्क्रिप्शन भी डाल दिया है, सब कुछ अच्छे से लिखा है और पब्लिश कर दिया है, फिर भी आपका ब्लॉग पोस्ट गूगल के सर्च लिस्ट में नहीं आ रहा है, तो उसे हम किस प्रकार से गूगल के सर्च लिस्ट में लाएंगे। उससे पहले मैं आपको एक जानकारी दे देना चाहता हूं कि मेरा एक ब्लॉग वेबसाइट है biharpatna.com, जिस पे मैं अच्छे अच्छे पोस्ट लिखता रहता हूं और उस पर गूगल एडसन का अप्रूवल भी मिल गया है। इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, या आप चाहें तो इसे गूगल में भी सर्च कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि अपने ब्लॉग पोस्ट को गूगल के सर्च लिस्ट में कैसे लाएंगे। तो चलते हैं अपने ब्लॉग पे, और यहाँ पर मैंने एक पोस्ट लिख के रखा है पहले से, उसके बाद मैं आपको पब्लिश करके दिखाता हूँ। और यहाँ पर मैं पब्लिश पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद मेरा ये ब्लॉग पोस्ट पब्लिश हो गया। उसके बाद यहाँ से हम इसे व्यू करके देख लेते हैं। व्यू पर क्लिक करने के बाद देखिए, इसका इंटरफेस कुछ इस तरीके से आ गया है। उसके बाद मैं इसका लिंक, और यहाँ देखिए मेरा पोस्ट नीचे में लिखा हुआ है, उसके बाद मैं इसका लिंक कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद इसे हम गूगल सर्च में पेस्ट करके सर्च करते हैं। सर्च करने के बाद देखिए, मेरा पोस्ट कहीं भी गूगल के सर्च में नहीं आ रहा है। कहीं भी आपको biharpatna.com लिखा हुआ नजर नहीं आएगा, ये मेरा पोस्ट गूगल के सर्च में नहीं आया हुआ है। तो इसे हम गूगल के सर्च में कैसे लाएंगे, तो उसके लिए चलते हैं फिर से ब्लॉग पे। उसके बाद यहाँ नीचे सेटिंग पर क्लिक करेंगे। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद सर्च प्रीफ्रेंस पे क्लिक करेंगे। सर्च प्रीफ्रेंस पे क्लिक करने के बाद नीचे आपको गूगल सर्च कंसोल मिल जाएगा, उसके सामने एडिट लिखा हुआ है, उसके सामने एडिट लिखा हुआ है, एडिट पर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही एक नया पेज ओपन होने लगेगा। जब तक पेज ओपन होता है तब तक हम वेट कर लेते हैं, और देखिए पेज ओपन हो गया। जब आप पहली बार इसे ओपन करेंगे तो आपका यहाँ पर वेबसाइट दिखाई नहीं देगा, आपको अपना वेबसाइट यहाँ से ऐड करना होगा। उसके लिए यहाँ पर ऐड ए प्रॉपर्टी पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर आपको अपने वेबसाइट का URL डालना है। आपको अपने वेबसाइट का URL डालना है, न कि किसी पोस्ट का। उसके बाद वेबसाइट का URL डालने के बाद यहाँ से ऐड कर देना है। तो मैंने पहले से ऐड करके रखा है, तो यहाँ से हम कैंसिल कर देते हैं। जब आप इसे ऐड करेंगे तो यहाँ पे तो एक पॉपअप आएगा, उसमें कुछ सिक्योरिटी रीजन रहेंगे, उसको आपको फिल करना है, उसके बाद ओके कर देना है। आपका वेबसाइट का प्रॉपर्टीज यहाँ पर इस तरीके से ऐड हो जाएगा, जिस तरह से मेरा वेबसाइट का प्रॉपर्टी ऐड किया हुआ है। उसके बाद यूज न्यू सर्च कंसोल पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही इसका इंटरफेस कुछ इस तरीके से आ जाएगा। उसके बाद यहाँ URL पर क्लिक कर देना है, और यहाँ आपके जो पोस्ट है, यहाँ पर आपके अपने पोस्ट का URL पेस्ट करना है। तो चलते हैं हम अपने पोस्ट पर, और यही वाला पोस्ट है, इसका URL हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद इसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद इंटर दबा देंगे। इंटर दबाते ही यह इस तरह से इंडेक्स होने लगेगा, गूगल में जाके इंडेक्स होने लगेगा। इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, 30-35-40 सेकंड लगेगा, इसके लिए मैं अपने वीडियो को थोड़ी देर पुश कर। इंडेक्स होने के बाद इंटरफेस कुछ इस तरीके से आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर रिक्वेस्ट इंडेक्स पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही यह फिर से इंडेक्स होने लगेगा, इसमें भी थोड़ा 30-40 सेकंड टाइम लगेगा, तो मैं अपने वीडियो को थोड़ी देर के लिए फिर से पॉज कर देता हूँ। उसके बाद देखिए इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। अब ये सबमिट होने लगेगा, और ये देखिए इंडेक्स रिक्वायर्ड हो गया है।
यहाँ गो इट पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ टेस्ट लाइव यूआरएल पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही कुछ इस तरह से टेस्टिंग होने लगेगा। लाइव यूआरएल थोड़ा समय लगता है इसमें, इसलिए हम थोड़ी देर के लिए वेट कर लेते हैं। और आप देख सकते हैं इस तरह से आपका पोस्ट गूगल में इंडेक्स हो जाएगा। अब हम अपने पोस्ट के यूआरएल को गूगल में सर्च करके देख लेते हैं। तो चलते हैं गूगल पर, उसके बाद फिर से हम अपने पोस्ट को यहाँ पर पेस्ट करेंगे, उसके बाद इंटर दबा देंगे। इंटर दबाते ही देखिए यहाँ पे सबसे ऊपर में मेरा पोस्ट आ गया है। तो इस तरीके से आप अपने ब्लॉग पोस्ट को गूगल के सर्च लिस्ट में ला सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज का हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।